jurisdictions. So those are the beautiful shots. Came from New Zealand, celebrating the new year with a new hope altogether. तो नए साल ने दस्तक दी सबसे पहले न्यूजीलैंड में और वहां पर राहुल के साथ इसका स्वागत किया गया और उम्मीद के साथ साल 2021 सबके लिए खुशियां लेकर भागलपुर पटना मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ बने गए स्मार्ट सिटी। प्रदेश में टीकाकरण अभियान जल्द होगा शुरू, सभी तैयारियां पूरी। सिडनी से ये तस्वीरें नए साल का स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अच्छी चीजों का कम है महत्व। पीछे छोड़ नई आशा, नई उम्मीद, नई उमंगों के साथ हम आगे बढ़ेगा 2021। और मोतिहारी में 70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद। नमस्कार, 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह, समाचार विस्तार से। राज्य सरकार भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी का गठन करेगी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन अवधि का व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स माफ करने, बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को ग्रेड पे देने, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क उपचार जैसे अहम फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण जल्द शुरू होगा। कल पटना में यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार सभी तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत टीकाकरण से संबंधित जानकारी, गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतने का आग्रह किया। एक खुशियां, एक उमंग लेकर आया है 2021 और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से इंतजार रहा सबको कि साल 2020 समाप्त हो और 2021 हमारे लिए खुशियां। समय लगे तो उसके बाद कुछ खतरा नहीं रहेगा, लेकिन अब हम एक चीज देख रहे हैं, पहले लोग मानते थे लेकिन अब गांव में हम देख रहे हैं कि लोग एकदम पॉपअप हो गया है। अब कहता नहीं हमको कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति हम लोग कितना सुझाव दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर महीने जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। कल पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए समाज के हर वर्ग की सजगता जरूरी है। मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली की समीक्षा बैठक को ऑनलाइन सभी जिलों में प्रसारित किया गया। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज हृदय हजारिका, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन। आई वुड लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स ऑफ दूरदर्शन ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। On the behalf of Daily News, I would like to wish you all a very happy and prosperous new year. पहले मंगलवार को इसको आप बिल्कुल इसी रूप में मनाइए। I'm Mansi Joshi. On behalf of Daily News, I wish you a happy and prosperous new year. सब जगह का Hello, my name is Abhishek Verma and I am an international shooter. I wish you and your family a very happy new year. और सब पूछिए तो Hi everyone, this is Manika Batra. तो हमें भी देख रहे थे कि किस तरह से खेल जगत के कुछ सितारे सबको नया साल मुबारक कर रहे थे, नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। और खेल जगत की अगर बात की जाए तो इस साल खेल जगत पर काफ़ी असर पड़ा, जो कि जिस तरह से बहुत सारे बड़े इवेंट्स इस बार नहीं हुए। ओलंपिक्स की अगर बात की जाए
तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये पहला मौका बैठक में ग्रामीण विकास स्वास्थ्य अभियंत्रण पशु और मत्स्य संसाधन जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क पर्यावरण और वन एवं जल परिवर्तन ऊर्जा कृषि शिक्षा भवन निर्माण विभागों के प्रधान सचिव एवं जिलों से अन्य पदाधिकारी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अच्छी चीजों की कदरदान कम है। कल पटना में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेट मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को सलाह दिया कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के कार्यों को गलत ढंग से पेश करने वालों का काउंटर जरूर करें। मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को नियमित रूप से इंटरनेट मीडिया पर डालने की सलाह दी। गोपालगंज में अपराधियों ने होमगार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने शव को पोस्ट ऑफिस चौक पर रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। इस हत्या से गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय उच्च पथ 28 पर आग जली थी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि मृतक होमगार्ड के जवान को पहले भी गोली मारी गई थी जिसमें जवान बच गया। मोहित आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे हिमवीर है ये हिमवीर नए साल के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। एक होमगार्ड का जवान भोला सिंह की गोली मारी गई थी जिसमें दो एक्विज बनाया गया था, एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेजा गया था और एक फिरार था जिसका नाम संजय सिंह उर्फ बनरिया है। अभी आज के दिन में भी उनको तीन चार गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नए साल का जो जश्न होगा कार्रवाई की जा रही है, पूरी तैयारियां कर दी गई है। साथ ही यहां पर भोजन की तैयारियां है और उसके साथ साथ तमाम जो इस हत्याकांड के कुछ घंटे बाद ही बेखौफ अपराधियों ने एक वेब पोर्टल के पत्रकार को गोली मार दी। घायल पत्रकार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार अपने घर के करीब ही था तभी बाइक सवार अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। हथुआ के जब बिल्कुल नरेश कुमार ने बताया की जाए जिस तरह से की जा रही है। ये साल वहीं पुलिस को मौके से एक बम और सात कारतूस के जवान बरामद किया। सेनाओं की बात कर ले, सशस्त्र सेनाओं की बात कर ले, हमेशा हर पल शक्ति सिंह बिल्कुल तैयार रहते हैं किसी भी चाहे कैसा भी मौका क्यों ना हो। और जब बात खुशी की आती है तो उसमें भी वो शरीक होते हैं और आज कुछ ऐसा ही मौका है। नए साल का इंतजार है, बस कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है। तो किस तरह से प्लानिंग की गई है, किस तरह से नया साल मनाने की तैयारियां की गई है वहाँ पर? मोतिहारी पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की गई। शराब के साथ पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग दूसरे राज्यों से हल्की पेटी में शराब छुपा कर लाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षक अविनाश प्रकाश ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नारंगी से लदे ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप मोतिहारी लाई जा रही है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग को हल से भरे ट्रक में विदेशी शराब की सैकड़ों पेटी बरामद की है। उसके अलावा भी यहाँ पर जो है शराब भेजा जा रहा है तो त्वरित रूप से मनीष शराब वन निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित करके भेजा गया। एक माल्टा का ट्रक पकड़ा है किनू का, उसमें कुछ शराब हुआ भी है कुछ सही भी है, उसी में उसको फिर अनलोड करने पे शराब मिला है। खगड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार होता दिख रहा है। यहाँ की बेटियाँ लड़कों को हर क्षेत्र में मात देकर सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। खगड़िया की तरह से महसूस कर रहे हैं क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है अगले साल के बारे में, आगे बढ़ते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। बिहार पुलिस में भर्ती के लिए इस क्षेत्र की दर्जनों बेटियां सुबह होते ही शारीरिक तैयारी में जुट जाती हैं। पसराहा थाना क्षेत्र के महदीपुर सोंडीहा चकला और पसराहा जैसे गांव की दर्जनों बेटियां इस बार बिहार पुलिस में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास करके शारीरिक परीक्षा में सफल होने के लिए पसीना बहा रही हैं। इसके लिए ये खेल प्रशिक्षक राम सेवक सिंह और जयचंद सिंह की देखरेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। छात्रा जुड़े और छात्रा को सहयोग करें, इलाका के भी जो भी छात्र ग्रुप में सभी भाई बहन की तरह एक स्पोर्ट्समैन की तरह वातावरण को मैंने यहाँ पैदा किया है। पहले तो कुछ थोड़ा सा लगता था कि हम छात्र हैं, वेरी डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज,
अभी ये स्थिति है, देयर इज नो डिफरेंस गर्ल्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। पिछले वर्ष भी पसराहा थाना क्षेत्र की कई बेटियां बिहार पुलिस की लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करके नौकरी में जा चुकी हैं। इस बार भी दर्जनों बेटियां बिहार पुलिस में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। प्रशिक्षक यहाँ पर कोई आज जिस प्रकार लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मार्गदर्शन मिले तो लड़कियां हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराएंगी। खगड़िया से शशिभूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नालंदा में डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा का स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांव में रहने वाले और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का जीवन बीमा करवाना है। इसकी जानकारी देते हुए नालंदा के डाक अधीक्षक उदय भानु सिंह ने बताया कि इस योजना में बीमा कराने के लिए प्रीमियम की राशि बहुत कम रखी गई है, जबकि बीमा का अधिकतम लाभ लोगों को दिया जाएगा। आप डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा लेते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस से आप इसे लें और साथ में इसका फ्लेवर है बीमा का भी, तो सबसे कम प्रीमियम और सबसे अधिक बोनस जो हमारा स्लोगन है इसको सार्थक करना है हमें और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया भारत का दौरा रद्द, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि थे। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद किया दौरा रद्द। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 13 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा सबसे पहले टीका। Let's go straight to our newsroom where our colleague OP Das is joining with us. 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की। ज्यादा एक खुशहाल साल नहीं माना जा रहा है, कुछ खट्टी मीठी यादें अपने साथ लेकर आया था ये साल और हमें छोड़े चले जा रहा है। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 20,000 करोड़ के सिंजल निष्ठा परियोजना को दी हरी झंडी। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार न्यूज रूम का वो नजारा दिखाएं। किसान कल 11 बजे दिल्ली के केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कहा 26 जनवरी से पहले यह मार्च किसानों की परेड का रिहर्सल होगा। पालन यहां पे हम लोग कर रहे हैं और उसी चुनौतियों को जिस तरह से डीडीयू ने पूरे साल एक तरह केरल सहित दूसरे राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी। सभी जिलों के पशुपालन पदाधिकारी को एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। को सूचनाएं पहुंचाने और सही सूचना पहुंचाने को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता रही है सालों की उसको भी मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि एनडीए एक कुछ लम्हे विपक्ष के कहने से भी भाजपा और जदयू गठबंधन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और किस तरह की तैयारियां हैं वो आपको आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी रमा त्यागी अब आपके सामने है। बाढ़ के एएसपी अमरीश राहुल और जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ओपी और ज्योतिका, इस साल को हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि खट्टी मीठी यादों के साथ ये पूरा साल भरा रहा, लेकिन ये खट्टी मीठी यादें भी बहुत कुछ हमें सिखा कर गई है। एक जज्बा जो है, एक हौसला जो है, उसकी परीक्षा थी और उसको बढ़ा कर गई है। किस तरह से चुनौतियों की दीवार को अपने हौसलों के पहाड़ से, अपने हौसलों के प्रहार से गिराया जा सकता है, ये इस साल ने हमें सिखाया है और ये इस साल की सबसे बड़ी सीख है। जिसे पटना की आर्य कन्या उच्च विद्यालय में पुलिस बैरक होने के कारण छात्राओं लगातार कहा है करने में हमेशा हौसला अफजाई के लिए उन्होंने कहा है कि मुश्किलों से जूझकर हमें आगे बढ़ना है, तमाम जो कठिनाइयां आती हैं उनसे हमें सीखना है। तो उससे इस साल में जो हमारा हौसला अफजाई हुई है, जो हमारा जज्बा बढ़ा है, जो आत्मविश्वास आया है कि हम कर सकते हैं, एकजुट होकर एक तरह से एक साथ चलकर एक साथ कदम बढ़ाकर और वही कदम बढ़ाने की राह अगला साल भी हमें दिखा रहा है कि किस तरह से
इस साल की यादों से सीख कर हमें अगले साल में प्रवेश करना है। कहते हैं ना कि एक साल प्रदेश में टीकाकरण अभियान जल्द हम आधा भरा भी कह सकते हैं और आधा खाली भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसे आधा भरा हुआ देखें उस सीख के रूप में जो हमें मिली है तो ये अपने आप में एक मुख्यमंत्री ने कहा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अच्छी चीज का दल है और हमारे साथ आपके जो हमारे लीडरों के अन्य साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं। और मोतिहारी में 70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बात की जाए तो कैसी यादें हैं। बिल्कुल हम अपने न्यूज रूम के साथियों से सीखेंगे और जाते जाते पूछेंगे भी और क्या कुछ आगे करना चाहते हैं ये भी और शुरुआत करेंगे हमारे जो न्यूज रूम के सीनियर्स हैं इस वक्त ईएनसी हमारे साथ मौजूद हैं मणिकांत ठाकुर जी के पास मैं जाना चाहूंगी क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो अपने आप में एक मार्ग प्रशस्त करते हैं जिस टीम को वो लीड करते हैं जो प्रेरणा होती है उनकी प्रेरणा होती है वो बड़ी लाभदायक होती है और बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत भी वो होते हैं। मणिकांत जी हमारे साथ हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं। सर किस तरह से ये साल रहा किस तरह से इस पूरे साल को देखते हैं आप भी पूरे साल में आए कोरोना की चुनौती से आप भी जूझे किस तरह की जो आज एक संकल्प की